उत्तराखंड में भगवान शिव के कई पौराणिक मंदिर मौजूद हैं, लेकिन उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा विश्वमोहिनी अवतार में होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने इस स्थान पर 11,000 वर्षों तक भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के दर्शनों के लिए तपस्या की, जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें विश्वमोहिनी अवतार में दर्शन दिए। आज से लगभग 1,000 वर्ष पूर्व जगत गुरु शंकराचार्य और देवशिल्पी विश्वकर्मा ने यहाँ मंदिर निर्माण किया, जिसका नाम शंकर मठ पड़ा। यह मंदिर दिखने में जितना पौराणिक है, उतनी ही अधिक दुर्लभ यहाँ मौजूद शालिग्राम पत्थर से बनी भगवान विष्णु की मोहिनी अवतार में मूर्ति मौजूद है। शंकर मठ के महंत महादेव प्रसाद उनियाल ने बताया कि इसी स्थान पर भगवान शंकर ने 11,000 वर्षों तक भगवान विष्णु के विश्व मोहिनी अवतार के दर्शनों के लिए तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान विष्णु ने शिव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मोहिनी अवतार में दर्शन दिए। उत्तराखंड में श्रीनगर गढ़वाल में ही एकमात्र विश्व मोहिनी अवतार में शंकर मठ मौजूद है। महंत महादेव प्रसाद उनियाल बताते हैं कि जब शंकराचार्य ने चार धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और एक रात्रि में 360 मठों की स्थापना की, उसी दौरान लगभग 1,000 वर्ष पूर्व शंकर मठ का भी निर्माण किया गया। मंदिर में शालिग्राम पत्थर की तीन मूर्तियां मौजूद है, पहली राधा कृष्ण बल्लभ, दूसरी विश्व मोहिनी अवतार, तीसरी माँ राजराजेश्वरी की मूर्ति मौजूद है। मान्यता है कि बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर शंकर मठ में पूजा अर्चना के पश्चात ही कमलेश्वर मंदिर में 365 दिए की बातियां चढ़ाई जाती हैं। हर सावन के सोमवार, शिवरात्रि और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा अर्चना करने पर भगवान शिव और भगवान विष्णु भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। सावन के हर सोमवार दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रहती है। ही इस मठ का एक रात्रि में इसी मंदिर शंकर मठ का निर्माण कार्य किया, और शंकर मठ इसलिए नाम पड़ा कि भगवान शंकर ने यहाँ पर 11,000 वर्ष तक तपस्या किया कि हे विष्णु, मुझे अपना मोहिनी अवतार का दर्शन दीजिए। तब भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को अपना विश्व मोहिनी अवतार का दर्शन दिया, तो इसका नाम शंकर मठ पड़ा। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 32 साल की अवस्था में चारों धामों की स्थापना की, 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की, एक रात्रि में उन्होंने 360 मठ बनाए, और ये लगभग अभी करीब 1,000 साल वर्ष पुराना है। मान्यता ये है कि ये जो मूर्तियां बनी हुई है, ये मूर्तियां शालिग्राम शिलां एकम स्वयं विष्णु वास्ते, ये जो मूर्तियां बनी है ये शालिग्राम पत्थर की विश्व मोहिनी का अवतार है। उत्तराखंड के अंदर सिर्फ विश्व मोहिनी अवतार, ये भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार है। यहाँ पर तीन मूर्ति विराजमान है। सबसे प्रथम मूर्ति है, ये भी शालिग्राम पत्थर की मूर्ति बनी हुई है, ये है राधा वल्लभ जी। शंख चक्रम गदा पद्मम, शंख भी है, चक्र भी है, पद्म भी है। तो जो सर्प आकार का शंख, कोटि कोटि नाना प्रकार के शंख है, लेकिन ये कौन सा शंख है? सर्प आकार का शंख ये बना हुआ है। ये शालिग्राम की मूर्ति है। इसके नीचे भगवान के द्वारपाल हैं, जय विजय कुंभ, ये सब भगवान के पहले द्वारपाल थे। जय विजय रावण कुंभकर्ण, ये सब द्वारपाल थे भगवान। वो तो श्राप के वजह से इन्होंने इस योनि में, राक्षस योनि में आना पड़ा। फिर दूसरी मूर्ति है भगवान विष्णु जी और विश्व मोहिनी की, ये भी शालिग्राम की मूर्ति है। इसी शालिग्राम पत्थर के अंदर भगवान के 10 अवतार हैं, अक्ष रूप, कच्छ रूप, बारह नरसिंह रूप। तो 5 अवतार भगवान के इस तरफ बने और 5 अवतार भगवान के दूसरी तरफ बने। 10वां अवतार भगवान, ये कलिंग अवतार, कलिंग अवतार भगवान का। जब कलिंग अवतार होगा भगवान का, तो इस कलयुग का अंत होगा। अभी तो कलयुग का अभी प्रथम चरण चल रहा है, जब अंतिम चरण आएगा तो भगवान इसी हमारे देवस्थल भूमि में
कलिंग अवतार देंगे और कलयुग का पतन करेंगे, तत्पश्चात सतयुग का प्रारंभ होगा। इसी की तीसरी मूर्ति, ये मूर्ति जो है हमारी राज राजेश्वरी देवलगढ़ी में, तो राज राजेश्वरी ये भी शालिग्राम पत्थर की बनी हुई है। ये तीसरी मूर्ति जो है ये माता राज राजेश्वरी की मूर्ति है। तो यहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य जी जब आए थे तो उनके साथ में विश्वकर्मा थे, तो उन्होंने क्या किया कि इसी मठ के अंदर त्रियंत्र तो भगवान ने क्या किया, ये माता को नहीं मानते थे, ये शक्ति को नहीं मानते थे जगत गुरु शंकराचार्य जी, ये गुरु गुरु नाथ के उपासक थे और उन्हीं की आराधना करते थे। तो जब यहाँ पर श्रीनगर के अंदर आए तो उनकी जो शक्ति थी माँ दुर्गा ने उनकी शक्ति को छेड़ कर दिया, तो उनको एहसास होने लगा कि मेरी शक्ति कहाँ गई। तो फिर वो जगत गुरु, तो उन्होंने फिर गुरु गोरखनाथ से कहा, हे पिता मेरी शक्ति कहाँ छीन हो गई। उन्होंने कहा, जगत गुरु शंकराचार्य जी आप माँ की उपासना नहीं करते हो, माँ आपसे दुष्ट हो चुकी है, इसलिए आपकी शक्ति, आप शक्ति से विहीन हो चुके हो। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, माँ से क्षमा मांगो। तब शंकराचार्य जी ने माँ से प्रार्थना की, नमं त्वं यं त्वं तदपि न जाने स्तुति बहु वरम जाने मुद्रा से तदपि न जाने स्तुति बहु। उन्हें ऐसा लगा जब मैं 50 जीते कि मैं 45 साल का वृद्ध हो चुका हूँ। तो जब माँ से उन्होंने प्रार्थना की तो माँ ने फिर उनको शक्ति प्रदान की, तब से जगत गुरु शंकराचार्य माँ की उपासना करने लगे। और कोई ऐसा विशेष दिन है या कोई विशेष बार जिस दिन यहाँ पर पूजा अर्चना की जाए, मनोकामनाएं पूरी होती हो? बिल्कुल, जैसे कमलेश्वर में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मनोकामना परिपूर्ण होती है, तो कमलेश्वर में 365 दिन 365 की बाती सबसे पहले यहाँ पर चढ़ाई जाती है। सबसे पहले वैकुंठ चतुर्दशी के शुभ लग्न शुभ दिन पर मंदिर शंकर मठ में 365 की बाती पहले यहाँ पर चढ़ाई जाती है, तत्पश्चात कमलेश्वर चढ़ाई जाती है। सबसे बड़ी महिमा वैकुंठ चतुर्दशी की महिमा, हर सावन के सोमवार, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, जितने भी बार त्योहार हैं उन दिनों यहाँ पर कीर्तन भजन और सत्संग होता रहता है।